जीके का यह जो पोर्शन है वह हम आपके लिए लाए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। आज हम लोग इसमें 40 प्लस को स्टैटिक जीके को देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। जो सेटेलाइट होते हैं हमारे, तो वो जो है वो 36,000 किलोमीटर पे स्थित होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में लगा समय 27 दिन 8 घंटा लगभग इसे परिक्रमा करने में वक्त लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं। सूर्य की बाह्यतम परत को कोरोना या किरीट कहा जाता है। कोरोना वह भाग होता है जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य पे जो है वह चंद्रमा जो है वह इसके सामने आ जाता है। यह ऐसा पूर्ण सूर्य ग्रहण में होता है। तो यह जो भाग होता है जो कि बाहर का भाग होता है वो पूरी तरह से ढक नहीं पाता है। वहाँ से प्रकाश जो है वह परावर्तित होती है जो कि एक्सरे किरण होती है। एक्सरे किरण होती है तो एक किरीट कोरोना वो जो क्षेत्र होता है उसी क्षेत्र को, इसी क्षेत्र को जो है वो क्या कहा जाता है, कोरोना या किरीट कहा जाता है। ऐसा पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी में दूसरे सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है। तो पृथ्वी से जो है यह 4.2 प्रकाश वर्ष जो है वह वक्त लगता है इसे प्रकाश को पहुंचने में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या का माप किया था सबसे पहले किसने। तो यह इरेटोस्थनीज के द्वारा जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या का माप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समुद्र मील किसके बराबर होता है। तो एक समुद्र मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर के, 1.852 किलोमीटर के बराबर जो है वह एक समुद्री मील बराबर होता है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को जो है वह भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। यह रेखा जो है वह इलाहाबाद के पास से गुजरती है। इलाहाबाद जिसका नाम अब प्रयागराज कर दिया गया, वहां से यह गुजरती है। तो यह 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। वे 5 राज्य हैं यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य से होकर को यह रेखा गुजरती है जो कि भारत की मानक रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। विश्व जनसंख्या में भारत का निवास कितना है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास जो है वह 17.5% जो है वह विश्व जनसंख्या का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा स्थान है। तो यह दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। पहले स्थान पे जो है वह चीन का स्थान आता है सबसे अधिक जनसंख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। सबसे पहला जो है वो है रूस का, रशिया आता है, उसके बाद कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चाइना और फिर ब्राज़ील और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर आता है भारत। भारत का जो क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। यह जो है वह भारत का कुल क्षेत्रफल है और विश्व में इसका स्थान जो है वह 7वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की आकृति जो है वह एक चतुष्फलकीय है। आप जैसा कि मैप में देखते होंगे तो यह चतुष्फलकीय होता है। जैसे गुजरात से कन्याकुमारी को मिलाते हैं, फिर कन्याकुमारी से मिलाने के बाद यह जो है वो पूर्वी भारत में चला जाता है। फिर पूर्वी भारत को जो है वह जम्मू कश्मीर से मिलाते हैं और जम्मू कश्मीर से मिलाने के बाद जो है वो फिर मिला देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह एक भारत की आकृति का एक खाका है जो कि एक चतुष्कोणीय है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या जो है वह 9 है। इनमें से 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय हैं।
तो सबसे पहले सात स्थलीय जो हैं वो उनके बारे में देख लेते हैं। तो जो सात स्थलीय हैं वे हैं आपको पाक, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इसके बाद चाइना है, फिर उसके बाद से बांग्लादेश है, भूटान है, भूटान के बाद आपको नेपाल है, और इसके बाद म्यांमार है, ठीक है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश है। तो ये टोटल सात जो है वो स्थलीय हैं। अब बात करते हैं दो जलीय की। तो जलीय में जो है वो है श्रीलंका, और इसके बाद मालदीप। जो है वह एक छोटा सा देश है जो कि आपको बता देते हैं, ये है भारत का। अगर मैप देखते हैं तो ये मैप जो है यहाँ पे श्रीलंका है, तो यहाँ पे जो है वो मालदीप है। मालदीप जो है वह इसके इस साइड है जो कि लक्षद्वीप के पास नीचे ठीक स्थित है। तो दो जलीय हैं और सात स्थलीय, यानी कि भारत के कुल पड़ोसी देश जो है वो नौ हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है, ये जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को श्रीलंका से अलग करता है, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली रेखा या खाड़ी जो है उसको कहते हैं पाक, जल डमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी जो है वो इसके द्वारा जो है वो अलग होता है। ये धनुष कोटी से स्टार्ट होता है, धनुष कोटी जो कि रामेश्वरम के पास से है वहाँ से स्टार्ट होता है, और ये जो पोर्शन है उसे कहा जाता है पाक, जल डमरू मध्य, और ये मन्नार की खाड़ी में जो है वो स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े भारतीय राज्य की कुल संख्या कितनी है। तो पड़ोसी देश के राज्यों से जुड़े भारतीय राज्य जो हैं वो 17 उनकी है। जैसे अफगानिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, तो इसी तरह से जो है वो टोटल 17 है। जैसे पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, राजस्थान से जुड़ा हुआ है, पंजाब से जुड़ा हुआ है, गुजरात से जुड़ा हुआ है, तो ये जो है वो पाकिस्तान का है। तो इसी तरह से जो है वो टोटल 17 है। अगर आपको समझ में दिक्कत हो तो आप बताएंगे नीचे कमेंट करके, हम मैप में जो है आपको इसे समझा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल कहलाता है। पृथ्वी के नीचे सतह का द्रवीभूत शैल जो है वह मैग्मा कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा, यूरेनियम के द्वारा जो है वह पृथ्वी की आयु निर्धारित की गई है। तो यह यूरेनियम काल विधि द्वारा निर्धारित की गई है। अश्व अक्षांश संबंधित है किससे। तो अश्व अक्षांश जो होता है वह संबंधित है 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश से। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, ये दो तरह की रेखाएं होती है जो कि आप ग्लोब में देख सकते हैं। अक्षांश रेखा वह रेखा होती है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर की रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। वहीं उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की रेखा को जो है वह देशांतर रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा, में जो है वह एक भूमध्य रेखा होता है जो कि ठीक केंद्र से गुजरता है। ठीक 23.5 डिग्री ऊपर की रेखा जो होती है, अक्षांश से 23.5 डिग्री ऊपर की रेखा जो होती है उसे कहते हैं कर्क रेखा उत्तरी में, और ठीक 23.5 डिग्री अगर दक्षिणी की बात करें तो यह होता है मकर रेखा। सूर्य का प्रकाश जो है वो इन्हीं दो रेखाओं के बीच में चलती है। तो ये 30 डिग्री और 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश का क्या मतलब है। तो ये जो है वो इससे भी ऊपर की रेखा होती है और नीचे की रेखा होती है। ये वो रेखा होती है जहाँ से पवन लहरें जो है वो उठती है और चलती है, तो इसीलिए इन्हें अश्व अक्षांश जो है वह कहा जाता है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, अगर आप नहीं समझे तो कमेंट कीजिए, मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन जो है वो बेल्जियम के जार्ल
लैमेंटर के द्वारा 1966 में यह किया गया था। बिग बैंग थ्योरी का जो है वह खोज इसलिए किया गया था क्योंकि ब्रह्मांड का पता जो है वह बिग बैंग थ्योरी के थ्रू ही लगाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु का नाम क्या है और ये कब दिखा था? तो 76 वर्ष पे हेली नाम का धूमकेतु जो है वह दिखता है। अंतिम बार यह देखा गया था 1986 में, 1986 में, लेकिन अब जो है वह दिखेगा कब? तो यह दिखेगा 2062 में जो है वह इसके 75-76 वर्ष के अंतराल पे जो है वह यह दिखता है। 2062 में जो है वह इसे फिर से देखे जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनल मान सिंह प्रसिद्ध नृत्यांगना है किस नृत्य की? तो ओडिसी और भरतनाट्यम ये नृत्य हैं, इसके जो है वो इनका संबंध सोनल मान सिंह जो है वो इनकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल ने ख्याति प्राप्त की है किस क्षेत्र में? तो अमृता शेरगिल के द्वारा ख्याति प्राप्त किया गया है चित्रकारी के क्षेत्र में। मोहन महापात्र प्रसिद्ध गुरु हैं किसके? तो मोहन महापात्र जो है वह प्रसिद्ध गुरु हैं ओडिसी नृत्य के। देखते हैं नेक्स्ट, इतिहास में तूतीय ए हिंद उपनाम से प्रसिद्ध हैं कौन? तो यह जो है वह अमीर खुसरो जो है वह यह प्रसिद्ध है। अमीर खुसरो जो है इन्होंने तबला का जो है वह आविष्कार किया था, यह अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, असतो मा शरद्गमया, इसका बाकी का वाक्य है अस्तमसो ज्योतिर्गमया, यह जो है वह सूक्ति लिया गया है कहाँ से? तो यह सूक्ति लिया गया है ऋग्वेद से। ऋग्वेद की चर्चा हो रही है तो आपको बता दें कि इसमें 10 मंडल हैं, वहीं 1028 जो है वह इसमें सूक्त है। वहीं मंत्रों की बात अगर करें तो 10,600 जो है वह मंत्र है। 10वां मंडल जो है वह इसका बाद का मंडल है। गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद से ही लिया गया है। और बात करते हैं अब तो, 4 जो है हमारे वेद हैं, 18 पुराण हैं और 108 जो है वह उपनिषद हैं। तो ऋग्वेद के साथ ये सब भी आप जान गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, रूपमणि देवी अरुणडेल का संबंध है किससे है? तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल का संबंध जो है वो नृत्य कला से है, जो कि किस नृत्य से संबंधित है? तो यह भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है पुलित्जर पुरस्कार से, पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1917 से जो है वह यह दिया जा रहा है, जो कि दिया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के लेखक जो है वह कौन है? तो एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के लेखक जो है वह है सैमुअल हंटिंगटन जो है वह एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के लेखक है। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट सपर किसकी कृति है? तो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट सपर जो है वह लियोनार्डो द विंची की कृति है। ऋतु संहार किसकी कृति है? तो ऋतु संहार जो है वह रचना है कालिदास की। देखते हैं नेक्स्ट, ख्वाजा मोइदीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइदीन चिश्ती की दरगाह जो है वह अजमेर में है। एक और दरगाह है जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, वह है फतेहपुर सिकड़ी का दरगाह। फतेहपुर सिकड़ी में जो है वह दरगाह है आपको शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है वह फतेहपुर सिकड़ी में है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन होता है, तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है वह आपको फतेहपुर सिकड़ी में है और ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वह अजमेर में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिर हैं कहाँ? तो खजुराहो के मंदिर जो है वह आप जानते हैं कि यह जो है वह मध्य प्रदेश MP में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, वंदे मातरम के रचयिता हैं कौन? तो वंदे मातरम के रचयिता जो है वह बंकिम चंद चटर्जी हैं। वंदे मातरम जो है वह रचना किया गया था आनंद मठ में। यह जो है वह 1905 में जो है वह 1905 या 6 के करीब 1905 में जो है वह एक स्वदेशी आंदोलन हुआ था। 1905
पांच में जो है वह स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में जो है वह यह काफी चर्चित हुआ और इसे जो है वह राष्ट्रगीत, एक चीज और ध्यान रखें, वंदे मातरम जो है हमारा राष्ट्रगीत जो है वह इसका दर्जा मिला। और भंग आंदोलन जो हुआ उसमें जो है यह राष्ट्रीय नारा के रूप में विकसित हुआ, राष्ट्रीय नारा बना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र से? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वह फिल्म उद्योग के क्षेत्र से दिया जाता है। वहीं ऑब्जर्वेटरी टावर है, ऑब्जर्वेटरी टावर जो है वह स्थित है, तो ऑब्जर्वेटरी टावर स्थित है लेह में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ईटानगर राजधानी है कहाँ की? तो ईटानगर राजधानी जो है वह अरुणाचल प्रदेश की है, अरुणाचल प्रदेश में जो है वह ईटानगर जगह है वहीं इसकी राजधानी है। ऑब्जर्वेटरी टावर जो है वह जो कि लेह में स्थित है, जो कि हम अभी चर्चा कर चुके हैं, यह एक प्रकार का टावर है जहाँ से सभी चीज़ों को देखा जाता है, मौसम वगैरह की जानकारी यहाँ से मिलती है। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, अरुणाचल प्रदेश से किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग तेजी से थोड़ा देखेंगे, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? तो इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन के लेखक जो हैं वह हैं V.S. नेपाल है। पथिक किसकी रचना है? तो पथिक रचना है जयशंकर प्रसाद की। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जो कि हमारे पहले उप राष्ट्रपति थे और दूसरे जो है वह राष्ट्रपति थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, दीन इलाही धर्म किसके द्वारा चलाया गया था? तो दीन इलाही धर्म जो है वह अकबर के द्वारा चलाया गया था। लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं की मूर्ति जो है वह नर्मदा नदी के तट पर जो है वह गुजरात में बनाई गई है, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यूनिटी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वह बनाई गई है गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे। तो यह जो है वह वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो कि सबसे ऊंची है, 182 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वह हेग नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना जो है वह 1946 में 1946 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो दिल्ली का लाल किला जो है वह बनाया गया था शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के द्वारा ही ताजमहल बनाया गया है, जामा मस्जिद, ये सभी जो है वह बनाए गए हैं। तो यह दिल्ली का लाल किला जो है वह शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्रॉम्बोली, जागृत ज्वालामुखी को, स्ट्रॉम्बोली में जागृत ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। एलिफेंटा पास से अलग करता है, एलिफेंटा पास जो है वो श्रीलंका में उत्तरी से और दक्षिणी भाग को अलग करता है। एलिफेंटा पास पास पे हम एक वीडियो बना चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में यह लिंक मिल जाएगा। ग्रामीण विकास संगठन स्थित है, तो ग्रामीण विकास संगठन जो है वो स्थित है कहाँ? तो यह हैदराबाद में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारत का मानव विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो भारत का मानव विकास रिपोर्ट जो है वह नीति आयोग के द्वारा बनाया जाता है। नीति आयोग का अब जो नाम है वह योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में है। देखते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है वह मुंबई में की गई थी, आर्य समाज मुंबई में हुई थी। और आर्य जो है वो आए थे भारत के खैबर दर्रा से होकर के जो है वह भारत में इन्होंने प्रवेश किया था। तो यह भी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, इसकी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन